छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर सीएम भूपेश बघेल की मां बिंदुश्री बघेल के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भिलाई से हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या कुछ तैयारी है अभी, और अभी कौन कौन और पहुंचा है, क्या कुछ स्थिति है जरा बताएं। देखिए, बस यहाँ से कुछ देर बाद अंतिम यात्रा भूपेश बघेल की माँ बिंदेश्वरी बघेल का निकाला जाएगा। भिलाई 3 स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायकगण हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी अंदर में मौजूद हैं। यहीं से वो बाहर निकलेंगे और मीडिया से बातचीत भी वो कर सकते हैं। और अलग अलग जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो भूपेश बघेल के गांव बिलौदी है वहां से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 11 बजे के आसपास अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो मिलने वाले लोग हैं, जो अंतिम दर्शन के पहुंचने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसी के वजह से लेट हो रही है। और जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, वो पीएल पुनिया, वो भी यहां पर पहुंचेंगे कुछ देर बाद। हालांकि उनके आने का अभी जो समय है वो पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनके भी आने की खबर यहां पर मिल रही है। 2 बजे के आसपास वो यहां पर पहुंचेंगे और वो भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व को बात की जाए तो किसी के आने की संभावना नहीं है, लेकिन चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, सभी ने फोन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को का ढांढस बंधाया है, उनकी मां को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी श्रद्धांजलि ट्वीट कर दी है। और चाहे यहाँ के नेताओं की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बात की जाए, वो भी ट्वीट कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में चरणदास महंत यहाँ पर दिख रहे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। अब दिल्ली से आप करके वो हालांकि कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली दौरे पर वो थे और दिल्ली दौरा स्थगित कर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो कुछ कार्यक्रमों को लेकर वो दिल्ली गए थे, कुछ ही निधन की खबर सुनी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ जयसिंह अग्रवाल जी हैं। ये निधन हुआ है मुख्यमंत्री बघेल, निधन हुआ है, बड़ा दुख है। कल कार्डियक अटैक उनको आया था। हम लोग बहुत दुखी हैं, पूरा कांग्रेस परिवार और पूरे प्रदेश की जनता दुखी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की माता का निधन हुआ है। और हम लोग सब वहाँ उपस्थित थे, उसके बाद 3-4 घंटा तक, उसके बाद उनको भिलाई लाया गया। मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, राजस्व मंत्री, जिनका कहना है कि काफी दुख का विषय है, कार्डियक अटैक उनको आया था, भूपेश बघेल की माँ बिंदेश्वरी बघेल को, और उनके बाद उनका निधन कल शाम करीब 5 बजे हुआ। पिछले करीब 14 से 15 दिनों तक वो रामकृष्ण अस्पताल में थी। 24 जून को उनको कार्डियक अटैक आने के बाद भर्ती कराया गया था। और आप देख सकते हैं चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री वो, और विधायक मनोज मंडावी, और इसके अलावा जो अलग अलग कांग्रेस के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो आम लोग भी हैं वो बिंदेश्वरी बघेल को श्रद्धांजलि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच अंतिम यात्रा बिंदेश्वरी बघेल का निकाला जाएगा। हेमंत, भारी तादाद में यहाँ पर लोग अंतिम दर्शन के लिए, सीएम की मां के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद उन्हें मुक्ति धाम ले जाया जाएगा। किस जगह ये अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार के दौरान किस किस के शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी बाहर आ रहे हैं, वो कुछ बातचीत मीडिया से करेंगे, उनसे सीधे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अगर श्रद्धांजलि अंतिम संस्कार की बात की जाए तो मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अंदर गए थे श्रद्धांजलि देने, वो अभी बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है वो दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं धरमलाल कौशिक,
प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, तमाम जो भाजपा के बीच दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब बाहर निकल रहे हैं घर से संधाई वो देकर बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और जो सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर हैं। आज मैं भूपेश जी के माता जी के स्वर्गवास होने पर अपनी श्रद्धांजलि और अपने संवेदना पूरे परिवार के प्रति प्रदर्शित करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से माता का जाना किसी परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए और ख़ास तौर से भूपेश जी को बहुत बड़ा, इससे निश्चित रूप से पूरे परिवार को दुख पहुँचा है। हम सबकी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि माता जी को स्वर्ग में अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कष्ट को सहने की क्षमता और शक्ति प्रदान करे। तो ये डॉक्टर रमन सिंह थे जो श्रद्धांजलि देकर यहाँ पर लौटे हैं। इसके अलावा विक्रम उसेंडी कुछ बोल रहे हैं, उनसे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर जो रमन सिंह है उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के लिए मात जाना काफी दुख की घड़ी होती है, मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ, श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तो तमाम जो नेता हैं वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया भी वो पहुंचेंगे, इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। सीएम कमलनाथ 2 बजे तक पहुंचेंगे, हिम्मत लगता नहीं कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 2 बजे पहुंचेंगे तो और ज्यादा देरी हो सकती है इस अंतिम संस्कार में। देखिए अंतिम यात्रा में देरी की वजह जो भारी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग लगातार मिलने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, इसके अलावा उनकी माँ को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। तो इसकी यही वजह है कि अंतिम यात्रा में निकलने में देरी हो रही है। हालांकि 1 से 1.5 लगभग अंतिम यात्रा निकलने में लग जाएगा और यहाँ से मुक्ति धाम तक जाएगी, मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीधे रायपुर पहुंचने के बाद जो कमलनाथ हैं वो सीधे मुक्ति धाम पहुंचेंगे और वहीं पर अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे सीएम भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल का रविवार की शाम निधन हो गया और अब से कुछ ही देर बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम ले जाया जाएगा। तमाम तादाद में यहां पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहां अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उन्हें अंतिम दर्शन के लिए उनके पहुंचे, साथ ही विक्रम उसेंडी, तमाम लोग यहां पहुंच रहे हैं। सीएम कमलनाथ भी 2 बजे भिलाई जाएंगे और उनकी मां की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव